हेलो 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 मशीन वाले भैया हेलो 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 अच्छा बाबूजी हमारे सामियाने में बैठे सभी हित मित्र रिश्तेदार बारात एवं घरात के सभी सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत। बहुत बढ़िया बिरहा समाज को नई दिशा समाज को जगाने का काम बिरहा जगत की शेरनी कही जाने वाली सरोज सरगम जी बहुत बहुत आपका भी स्वागत। मास्टर साहब कुछ बजेगा। देखिए कहा गया है कलाकार कीमत कला की सफलता तो सदा नाम रोशन जमाना करेगा। जरा इधर से भी मिशन गीत उधर से भी मिशन गीत आइए हिंदी साहित्य का आनंद लिया जाए। जरा कला देखिए कहा गया है कि जितना सागर की गहराई नहीं है सागर की गहराई नाप लिया जा सकता है लेकिन संगीत की गहराई को कोई नाप नहीं सकता। जो भैया खाना ना खेले हो जाए के दरवाजे पर सम्मान से प्रसाद ले ले बताया गया। जरा देखें एक कहावत है कि पेट में हुई गेहूं से गेहूं को भेंट है। इतना भैया बाबू इस जमाने में समय बड़ी कीमत है लेकिन हम कलाकारन को भी रोजी रोटी आपे से है। आप भगवान के देवता हुआ और जैसा बताया जाता है कि आप हमारे अग्रज हैं हमारे मलिकार हैं। थोड़ा थोड़ा सहयोग करते रहेंगे कलाकारों का बतावल जाला की मेहरारू के जवाई मनई कवि जी मेहरारू के जवाई के होत है मनई और मनई के जवाई के होत है पैसा। बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का नहीं पैसा देते हुए देते हुए भैया लोग अपन समय निकाल के कम से कम बिरहा सुनत हुआ लोग आइए हिंदी साहित्य का आनंद लिया जाए। मास्टर बजा रहा है जरा देखिए हो उनको भुलाने के लिए ओ ख्यालों में चली आई सपने के लिए तुम्हें तो बता कैसे हम भूल जाए जाए।
हुए मन की तलब किया है। क्या लिखा मेरे भाई बाबू भैया लो करेंगे, क्या लिखा था? सितम ढाले तू कह रहा है तूने दिए जो तूने दिए तुम तूने दिए एक लाइन और शायर भी लिखा क्या ये नादान दिल जिसमें उलझा दुनिया में इतना गेहूं में धुन ना हो भोजपुरी में धुन हो। शायर ने लिखा खत मेरे महबूब का, खत मेरे महबूब का जब मिला पर जाना तो तू एक काम करना कि इस प्यार की लड़ी को चलने देना। क्या करना, क्या करना? जारी रखना इन फतेहा, जारी रखना इन फतेहा सिलसिला परदेश में, जारी रखना इन फतेहा सिलसिला Thank you.
भैया है, ये तो धुन पर मौज मस्ती के लिए है। जैसा कि आप लोगों ने सुना, सरोज सरगम जी की आवाज से इन ब्राह्मण मनुवादियों ने हर समय हमारे सुख चैन को छीनने का काम किया, हमारी एकता और अखंडता को भंग करने का काम किया। बताया गया मित्रों कि ये पाखंड फैला करके भारत के 85 मूल निवासियों को लूटने का काम किया। अभी आप लोगों ने सुना, इसीलिए बाबा साहब हमारे 85 के समाज के लिए, हमारे अपने खून खानदान के लिए अपनी कलम के माध्यम से संविधान लिखा, संविधान में अधिकार लिखा। अधिकार लेना हमारा और आपका कर्तव्य है। बाबा साहब ने एक बात लिख कर चले गए, बताकर चले गए, जैसा कि बताया भी सर्व सरगम जी ने कि उनके बताए हुए पद चिन्हों को चल करके अपने हक को लेने के लिए अपनी लड़ाई खुद लड़ना होगा। उन्होंने तीन बात बताया, एक जुगार भोजन कम करिए चल जाए, बहुत बढ़िया कपड़ा न पहनवे चल जाए, लेकिन अपने बीबी अपने परिवार अपने बच्चे अपने बेटी के लिए क्या करना होगा। शिक्षित शिक्षित बनाना होगा। क्यों? शिक्षा से ही ज्ञान है। शिक्षित संगठित और संघर्ष करो। उन्होंने तीन बात बताया है और मेरा दावा है, घमंड नहीं है कि अगर इस तीन बातों को लेकर के बाबा साहब को जिसने अपने आप को चलने का काम किया है, एक दिन उसने समाज में सक्सेस हुआ है। तो मित्रों याद रहे, बहुत बढ़िया भी रहा आप लोगों ने सुना। आइए मैं आपको ले चलता हूं, ना कोई विडंबना है ना कोई पाखंड है। क्या है? ना कोई कपोल कल्पित है। हिंदुस्तान के लिए जीना, हिंदुस्तान के लिए मरना। आइए मैं आपको एक नजर बॉर्डर पे ले चलता हूं। कैसे बात? कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये हिंदुस्तान है। विदेश के लोग याद कर लो, वतन के खातिर हमारे भारत के कितने जवानों ने प्राण दिया होती है। मैं सशस्त्र नमन करता हूं उन शहीदों को जिसने वतन के बलबेदी पे प्राण दिया होती है। एक बात और,
बॉर्डर पे फौजी जवान हमारे, ना कोई प्रधानमंत्री का बेटा है, ना कोई सीएम का बेटा है, ना कोई पीएम का बेटा है, ना कोई एमपी का बेटा है, ना कोई एमएलए का बेटा है, मात्र बेटा है तो हमारे प्रेम कवि की कलम बताती है कि वो किसान का बेटा है। चार लाइन कवि ने भूमिका में भाव लिखा, कैसे बाबू? बाबू भैया गौर करेंगे, जहां जहां भी आवाज जा रही है मैं सबका स्वागत करता हूं। अगर हम और आप भारत की सरजमी पे दो वक्त की रोटी चैनों अमन का जीवन जी रही हैं तो किसी और के बल पर नहीं, मात्र किसके बल पर? देश के जवान के बल पर। ऐसे जवान को मैं सत सत नमन करता हूं। तो बिरहा में प्लान कवाली को टुकड़ा लगत है, किसी आशिक से किसी मासूका ने कहा, बिरहा सुनने वाले भी अपनी गौर फरमाएंगे, कहा क्या? मैं नाजे हूं पहले मेरा सम्मान करना सीखो। मैं नाजे हुस्न नहीं हूं, अरे तू मेरा राम करे, अरे जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करे। मुन्ना भैया तब इतनी बात वो लड़की कहती है तो दीवाना कह रहा है, क्या कह रहा है? करूं सलाम तुझे, अरे जाने जाना सलाम करूंगा, लेकिन तू मेरा एक काम करना कि करूं सलाम तुझे मगर तू एक काम करे, तू अपनी मस्त जवानी बिरहा सुनने वाले सज्जनों, याद रहे ये तरज की बोल है, लेकिन हमारे प्रेम कवि ने अपनी कलम के माध्यम से लिखा, बारे हमारे कवि जी मैं आपको बहुत बहुत सलाम करता हूँ। कसम भारत माती, अरे खाकर भी चले, कसम भारत माती खाकर भी चले, अरे वतन के वास्ते वतन जुटी चले। एक लाइन और लिखा कभी नहीं कि कफन के सरिया सर, अरे कफन के सरिया, कफन के सरिया सर,
बाबू हो, सबसे बड़ा प्रेम है इतना भैया बाबू के चरण का दर्शन भइल ऐसे बड़ी धंडौलत और का चाहे। अगर दूरे राजा के पापा तक हमार आवाज जात हो तो हमार आग्रह जरूर सुनिए, रिक्वेस्ट है तुम कलाकारों का भी सम्मान करते रहिए और अपने आंगन का भी शोभा बढ़ाते रहिए। भैया हो, कहानी की शुरुआत हो गई मेरे सुनने वाले बिरहा श्रोता गण हो, नजम कराए लगत है उठा और कीजिएगा। कहानी की शुरुआत हो गई इसी भारतवर्ष की कहानी, प्रांत पंजाब में अंबाला शहर का रहने वाले देवेंद्र जो भारत के मूल निवासी है, गौना करेलन बीबी आई, एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम ब्रजेश बताया गया। आज जौने कॉलेज में ब्रजेश पढ़त हवन, वही कॉलेज में एक सरिता नाम की लड़की पढ़ रही है, दोनों में नैनाचार हुआ, मोहब्बत हुई। और जब मोहब्बत हो गई प्रेम कवि जी तो दोनों आशिक जीने और मरने की कसम खाने लगे, लेकिन एक दिन अस्वस्थ रहला के कारण सरिता 10 दिन कॉलेज ना आई। ग्यारहवें दिन कॉलेज आई और कॉलेज जब आई तो वही कॉलेज के सीढ़ी पर बैठ के रोवत है। जब ही ब्रजेश पहुंचा तो पूछा कि अरे क्यों रो रही हो, क्या पूछा मास्टर, एक लाइन गीत लगत है। जब ही भारत का जवान पूछा क्यों रो रही हो, उसके समझ में आया कि 10 दिन का मिलन नहीं है, यही बगैर होता। लेकिन वो बतावे लगल कि ब्रजेश मैं तेरे न आने न मिलने की कमी को लेकर नहीं रो रही हूँ, मैं रो किस लिए रही हूँ, मेरी बात सुन। क्या बताया, भाई हमसे बिछड़ गए प्रतिमा सहेलिया
हो, बात के समझ ला कहानी शीशा जैसन चमक जाई। जब इतनी बात बताई वो लड़की कि ब्रजेश मैं तेरे आने न आने के लिए नहीं रो रही हूँ, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरी एक सहेली थी जात की मुसलमान की बिटिया थी, हिंदुस्तान पाकिस्तान का 1947 में जब बंटवारा हुआ देश आजाद हुआ तो मुझे बड़ा प्रेम करती थी, मैं भी बड़ा प्रेम करती थी उससे। जब वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने लगी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जिंदगी रही तो तुझसे कभी मुलाकात करूंगी, उसी की याद आ गई रही इसलिए आंखों में आंसू छलक आया, बस उसी याद को लेकर रो रही हूँ। एक बात की और कमी है कि कहीं ऐसा ना हो कि फातिमा के जैसे तू भी बिछड़ जाए। समझ गया नौजवान? अरे सरसा, तेरे सब्र का बात मैं टूटने नहीं दूंगा। कलाई को पकड़ा और ले गया अपने घर, अपने परिवार वालों से कहा और सरिता के परिवार वालों से कहा, सब लोग राजी हो गए शादी करने के लिए। लेकिन बारे मालिक तेरी लीला भी गजब है। एक दिन की बात, गाजीपुर से सीधी भर्ती निकली, वांट निकला और नौजवान पंजाब के अंबाला शहर से जाकर के भर्ती देखने के लिए गया। लेकिन बार मालिक की मर्जी, नाप जोक हुआ, रिटेन हुआ, फिजिकल हुआ, नौजवान हर सिस्टम में पास हो गया, भारत का एक जवान चुना गया, सिलेक्ट हो गया। और जब सिलेक्ट हुआ कवि जी, तो कवि ने भाव लिखा, एक प्रेम गीत लगत है, तरज के बोल है, जैसे कपड़ा में रेडीमेड का कपड़ा होला लेकिन थान का कपड़ा की कीमत कुछ और होता, जैसे मेरे प्रेम को भी पहने लगे। चमचमा हवा दिल भी लहवा, एक दिन आई और एक दिन चल जाए। लेकिन जो खादी भंडार वाला होला, थान वाला होला, उसका कीमत ही अलग होला। इसे बिहार जगत में तमाम धुन आवे और जाए, लेकिन ये धुन का कौन जोर है कैसे बतावे जाला। पुराना चीज बड़ी कीमत की होला, जैसे पुराना गुड़, पुराना चाउर, पुराना दारू, मेहरारू को बात के करत तो ये ठीक है, कहत हो जरूरत पड़ेगा। लेकिन गीत का बोल है कैसे बाजू, भैया हो बाबू हो, ये तो तरज की बोल है। लेकिन हुआ क्या, बिरहा ने कभी ने भाव लिखा, हमारे बारात वाले भैया लोग, बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत बा। अगर कुछ है कुछ रुपया का दान कर देवे, जे 10 रुपया दे सवेरे 100 रुपया कमाई ले, न विश्वास तक आगे बिगाड़ लिख के देखा भैया हो। आखिर हुआ क्या, तब ट्रेनिंग बिता, ट्रेनिंग पूरा कई लन नौ हो महीना, ट्रेनिंग का महीना चले 9 महीना, ट्रेनिंग पूरा कैलन नौ हो महीना, अरे तब भरवा के आया प्रवीणा।
बिरहा सुनने वाले मेरे बाबू मेरे भैया याद रहे। आखिरकार और मालिक ने उस लड़के की मेहनत को सफल कर दिया, लेकिन ये भी किसका देन है? कौनो मूर्ति हनुमान और राम कृष्ण के न कराई भर्ती, भर्ती कराई तो सिर्फ बाबा साहब का संविधान है। बहुत बहुत रुपया दे के मूर्ति में गुहार कर, मंदिर में गुहार कर, मस्जिद में गुहार कर, लेकिन पढ़े ना लिखे तो रोगवई नाम। लॉकडाउन में सब औकात मालूम हो याद रहे। जब वो ट्रेनिंग पूरा करके आया और सरिता के घर वालों से अपने घर वालों को मिला करके शादी का दिन रख दिया गया। जब शादी का दिन रख दिया बाबू, मात्र चार दिन और है बारात सरिता के दरवाजे पे आने वाली, लेकिन बारे मालिक तेरी भी लीला गजब है, सबके नाच नचावे गोसाई अपना बैठे। तब तक उस नौजवान के लिए बॉर्डर से खबर आ गई। क्या खबर आई मास्टर? एक राम गीत लगत है। ये तरह के बोल है राजस्थानी लोग डाले तनी हटी जाओ, तनी हटी जाओ, तनी हटी जाओ राई पाछ मन परिक्रमा लावन जी, तनी हटी जाओ राई भैया है बाबू है याद रहे। आखिर उस जवान के लिए बॉर्डर से खबर आती है कि जवान देश खतरे में है, चले आए ना चाहते हुए भी जवान को जाना है। तो कभी ने लिखा हो आई गईली, हो आई गईली, आई गईली खबरिया बॉर्डर से के सवाल खतरे में चले आए। बची है जवान की, लेकिन न चाहते हुए यही बलिदान है। मित्र याद रहे, जो देश से प्रेम करता है दुनिया में उससे बड़ा कोई और प्रेम नहीं होता है। जब खत को पाया, खत को पाया तो अरे सुन के खबर लागल बालाजी, भैया हो बाबू हो गौर करेंगे, मात्र चार दिन शादी का दिन और है। जवान को न जाने के लिए चाहता है, लेकिन फिर भी जाना है। खबर आई कि चले आओ जवान, आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई होने वाली है, देश खतरे में है। आया, अपने घर वालों से मिला और अपने पिता से मिला, अपनी माँ से मिला, कहा कि माँ मुझे आशीर्वाद दे, मुझे जाना होगा। आंखों में आंसू लेकर माँ अपने बेटे को सीने से लगाकर चूम रही है और कहा कि बेटा जाओ। याद रहे बाबू, भारत का जवान
ब्रजेश चला है, और जब चला है तो बीच रास्ते में सरिता भी आकर खड़ी हो गई, आंखों में आंसू लिए सरिता खड़ी है, ठगी से है, बोल नहीं रही है, पूछ रहा है कि क्यों रो रही हो, देश के लिए जा रहा हूं, कहा मैं तुझे रोकूंगी नहीं, कहा पगली तुम मुझे रोकोगी नहीं, लेकिन एक बात याद रहे कि मैं उस देश का रहने वाला हूं जिस देश में गंगा बहती है, माता अपने दूध की कीमत मांगती है, बहन अपने राखी की कीमत मांगती है, बीबी अपने सिंदूर की कीमत मांगती है, और वो कीमत गर्दन कटा के चुकाई जाती है। कहा स्वामी जाइए, मैं आपको रोकने नहीं आई हूँ, मैं तो ये कहने आई हूँ कि वक्त आया तो पीछ नहीं दिखाना, सीने पे गोली खा जाना, लेकिन वक्त से कसारी मत करना। आशीर्वाद लेकर के अपने माता पिता अपनी होने वाली पत्नी का वो जवान जब चला है बॉर्डर पे, हेड क्वार्टर पहुंचा, हेड क्वार्टर से कमांडर ने ड्यूटी लगाया, बाघा बॉर्डर पे उस नौजवान की ड्यूटी लगी। याद रहे कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में पड़ता है, और जब बॉर्डर पे जवान चला पहुंचा, आपको विस्तार पूर्वक याद नहीं होगा मित्रों, उस समय एक नायक था ब्रजेश, एक नायक के पास चार सिपाही मिलते थे लड़ने के लिए, चार सिपाही लेकर चला है भारत का जवान ब्रजेश, और जब बॉर्डर पे चला बाबू तो हुआ क्या मित्र, एक लाइन गीत लगत है, उड़ी उड़ी जाले हो बाबू हो, आज देश का जवान ब्रजेश चला है, और क्या चला है सोच रहा है क्या, रुपया का पुरस्कार बड़का भैया होरीलाल बुरखरा की धरती से, बहुत बहुत स्वागत है, जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। चला है देश का जवान, सनसनाती हुई रात है, 12 बज रहा है, 12 पे ड्यूटी दे रहा है, तो कवि ने लिखा दुश्मन कैदारी, अरे कट Come on, come on, come on.
विरहा सुनने वाले मेरे भैया मेरे बाबू याद रहे, भारत का जवान की ड्यूटी लगी बाघा बॉर्डर पे, 12 बज रहा है रात, सनसनाती हुई हवाएं चल रही है, देखा कि दुश्मन की गाड़ी लाइट को बंद करके आगे बढ़ रही है, तो हुआ क्या, तड़ातड़ गोली चलने लगी दोनों तरफ से, कई जवान को ब्रजेश सिंह मारा और मारते मारते यहाँ तक हौसला बुलंद करते करते कटबंधा को काट करके आने को भारत को तो चला गया पाकिस्तान में। बारे मेरे भारत का से दहाड़ पाकिस्तान की सरजमी पे गया, लेकिन बाबू हो पाकिस्तान के लोग का एक गोला सनसनाता हुआ आया और जवान की पतन को चुभ गया। हुआ क्या कि सामने कंध था, सामने कंध था, दुश्मनों का झुंड था, छिप रहे थे वीर सरहद उमंद में, चारों ओर से छेक लिया, मार गोली रंग दिया रंग में, अब वीर तब से गिर पड़ा, चारों ओर से गिर पड़ा, दुश्मनों का वार हुआ वीर के भिठंग में, सनसनाता हुआ एक दुश्मन का गोला आया, उस नौजवान के बदन को चुभ गया और गिर गया धरती पर, गिर गया। पाकिस्तान की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया, आंख बुदा गई है, तनिके समय बीता, होश हुआ, जवान पूछ रहा है कि मैं भारत के किस प्रांत में हूं, भारत माता की जय बोला, पाकिस्तानी समझे कि भारतीय है साला, पोजीशन ले लिए, पाकिस्तानी सेना भी कहने लगी थी पाकिस्तान जिंदाबाद, समझ गया भारत का जवान कि मैं भारत में नहीं हूं पाकिस्तान में हूं, लेकिन जब ही गोली मारना चाहते हैं तब तक पाकिस्तान का एक सिपाही कहा कि नहीं गोली मत चलाना, ले चलो इसको पाकिस्तान में, इसके जरिए भारत की सारी कमजोरी पकड़ी जाएगी। जब लेकर चले बाबू, कहा पाकिस्तान के आसियाना हॉस्पिटल में उस भारत के जवान को एडमिट कर दिए, जब एडमिट कर दिए ट्रीटमेंट होने लगा, एक मुसलमान की बिटिया नर्स है उसके देख रेख में है, नौजवान का ट्रीटमेंट हो रहा है, इलाज हो रहा है, तब तक एक दिन की बात वो बेड से पलटा और नीचे गिर गया, जब नीचे गिरा तो एक जेबा में से पर्स में से फोटो निकल आया, जब फोटो को उस नर्स ने उठाया तो देख गई कि वही मेरी सहेली, वो नर्स कोई और नहीं, वही भारत से जो पाकिस्तान गई मुसलमान की बेटी फातिमा थी। याद है हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहना है, याद अपने आप को सुविधा समझने वाले देश से आजादी करने वाले याद रहे, हिंदुस्तान में जितना मुसलमान का तवज्जा किया जाता है ऐसा कोई देश नहीं है जहां मुसलमानों का तवज्जा हो। अरे आज तुमको फक्र होना चाहिए हिंदुस्तान के लिए, हैदर अली लड़ा, टीपू सुल्तान लड़ा, तमाम मुसलमान भाई ने भी अपने प्राणों की आहुति है, जात बिरादरी की मजहब की कोई बात नहीं है, वतन से प्रेम करो भैया। जब फोटो को देखा तो कहा कि जवान तू भारत का रहने वाला है, अच्छा तू बताने लगा बाबू, क्या बताने लगा विदेशी लाइन में, बताने लगा कि हथवा के जोरी जोरी तब तेरे दास बनवा हो, अरे घरवा हमारी दुस तनवारी बहिनी, बाबू मोर देवेंद्र सिंह फौज की जवानी रहले, देश खातिर हो गई मैं सपनवारी बहिनी, कि सरिता के साथ मनवारी बहिनी। अरे बहन अगर तू बड़े भैया आप सुरेंद्र कुशवाहा
चकिया नैनी की धरती से वीरन की धरती है। 51 का पुरस्कार बहुत प्रा में भैया हो, जो ही इतनी बात बताया कहा बहन तुझे हिंदुस्तान से क्यों इतना हमदर्द है। कहा कि पगला मैं भी कभी हिंदुस्तान की सर्दी में भी अपना जीवन बिताती थी, मैं भी आज पाकिस्तान में जरूर हूँ लेकिन मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ। बंटवारा के समय हमने चली आई पाकिस्तान, आज जिस जो तेरे पर्स में फोटो है ये मेरी सहेली है, इससे तेरी शादी रचाई थी। हाँ अच्छा बढ़िया मौका मिल गया कि मैंने वादा भी किया था सरिता वक्त आएगा तुझसे मुलाकात करूंगी। आज याद रहे मित्रों उस धर्म के भाई को अपना भाई बना लिया धर्म का भाई और कहा कल 14 अगस्त का दिन होगा। एक बात याद रहे हिंदुस्तान में 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है लेकिन वही पाकिस्तान में 14 अगस्त को झंडा फहराया जाता है। बहन ने कहा तू घबराना मत कल पाकिस्तान वाले झंडा फहराएंगे, काफी पाकिस्तान के जवान पाकिस्तान के राजधानी में होंगे, मैं तुझे इस पाकिस्तान से हिंदुस्तान ले जाने का काम करूंगी। सब्र बध गया उस भाई के दिल में। और जब भाई के दिल में सब्र बध गया तो हुआ क्या, एक लाइन गीत लगा भोजपुरी में तुम्हारी बहन गावे ना झाझर जी झाझर जवान बहन भी दिया गई है लेकिन वही में बुढ़िया माई वाली कौन बैठी रही वो गई है। आधे मनवा मोरे नैहर के नुगवा हो आधे में पहना हमार हो, ये तरस की बोल है लेकिन वो बहन जब उस धर्म के भाई के मुंह से सुना कि मैं हिंदुस्तान के पंजाब के अंबाला शहर का रहने वाला हूँ तो किया क्या सोच रही है कि कल तैयारी रखना 14 अगस्त का दिन होगा पाकिस्तान में झंडा फहरेगा कल मैं तुझे भारत पहुंचाऊंगी। और मने मने सोच रही कि जब मैं भारत पहुंचूंगी तो मेरा वो वादा जो सरिता के साथ वो पूरा हो जाएगा, सोच रही है क्या जब हम जब हिंदू
मान की बिटिया कि जब मैं हिंदुस्तान पहुंचूंगी तो मेरी सहेली से मुलाकात हो जाएगी। तो कभी ने अंतरा में भाव लिखा क्या है? चली हो भाई को लेकर के भैया हो जो ही तक 14 अगस्त 60 वाला दिन है, उधर पाकिस्तान में झंडा फहरा जा रहा है, इधर भारत के जवान को लेकर के बॉर्डर की तरफ चली है वो मुसलमान की बिटिया फातिमा। और जब बॉर्डर की तरफ चली तो कुछ पाकिस्तान के सैनिक ने देखा और कहा चला दो गोली। तड़ातड़ गोली चलने लगी बाबू, भाई को आगे करके अपना पीछे हो गई बेतरा खींच करके मुसलमान की बेटी फातिमा, और पाकिस्तान का एक गोला आया सनसनाता हुआ, उस फातिमा को पीठ को चुभा कलेजे उसके बाहर निकल गया, गिर गई धरती पर। और धरती पर गिरे ना मात ज्यादा नहीं थोड़ी के दूर हो बादल, आवाज दिया अरे भैया भाग जाओ भाग बादल पार कर जाओ। लेकिन जवान बोला कि अरे बहन मैं उस देश का रहने वाला हूँ जिस देश में गंगा बहती है, मैं इतना खुद गर्ज नहीं हूँ कि तू मेरे साथ इतना बड़ा एहसान किया और मैं तेरे इस तुझे इस हाल में छोड़ करके भारत चला जाऊं, नहीं मैं उस माँ का बेटा हूँ, भारत माँ का बेटा हूँ, मैं गद्दारी नहीं करूंगा। कहा नहीं भैया, अगर गद्दारी नहीं करोगे तो मारे जाओगे। कहा मरने जीने की परवाह मैं नहीं करता हूँ बहन, मैं तो तब नहीं परवाह किया जब बॉर्डर पे लड़ाई चल रही थी, लेकिन मित्रों याद रहे उसी जवान को जब भारत के लोग लड़ाई के समय में नहीं पाए थे तो भारत के लोग उनके घर और अखबारों में प्रकाशित कर दिए थे कि हिंदुस्तान का ब्रजेश लड़ाई के मध्य में मारा गया था, शहीद हो गया था। लेकिन बार मालिक तेरी लीला गजब है, किसी को किसी मोड़ पर किसी बहाने से मिलाता है। जो ही उस बहन को अपने पीठ पर लादा और ले करके भारत के कटबंधा को ताक करके भारत की सरजमी पे गिरा, दोनों भाई और बहन गिर पड़े, धरती पर गिरे हैं। भारत की सेना देखा पोजीशन ले लिया, हाथ उठा करके ब्रिजेश सिलेंडर किया, आवाज दिया कि नहीं गोली नहीं चलाना, मैं ब्रिजेश हूँ भारत का जवान हूँ। रोक दिया भारत के जवान ने, घेर लिया चारों तरफ से। लेकिन भैया हो बाबू हो आनंद फानन में उस मुसलमान की बिटिया फातिमा को तुरंत गाड़ी मंगवाया गया भारत के तरफ से और ले जाकर के दिल्ली के पीजीआई हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। लेकिन आज 14 अगस्त का दिन बीता है, 15 अगस्त का दिन है, दिल्ली के राजधानी पर पीएम द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, हमारे देश के नेताओं द्वारा झंडा फहराया जाएगा, देश की आजादी मनाया जाएगा। आज हुआ क्या, बिरहा में अल्लाह कलाई लग गई, रखे हो ऐसा
हर भारत को दिल्ली में सम्मान किया जा रहा है भारत के जवान को, लेकिन उधर जवान सरिता का शादी चार दिना रहा, कुछ दिन काफी बीत गया तो उसके घर वालों ने उस बिटिया के ब्याह सम्मान से एक नौजवान के साथ तय कर दिए। लेकिन जब अपने ससुराल गई तब देखलस कि उसके घर में एक उसके पति का फोटो है, एक और फोटो बगल में है, दाढ़ी बाल बड़ा बड़ा है। सवाल किया अपने पति से कि स्वामी ये कौन है, आपके परिवार के लोग हैं? डांट करके बोला है हरामजादा। आज भी देश में ऐसे भी लोग पड़े हैं जो वतन से गद्दारी करते हैं, धिक्कार है उनको, उनका जीना धिक्कार है। हम भारत की रोटी खा रहे हैं, भारत से गद्दारी कर रहे हैं। जब कहा सरिता से कि जिसका फोटो देख रही हो सरिता, ये कोई और नहीं है, यही है मेरा मित्र जो पाकिस्तान का रहने वाला है, इसी के देर पर बंगला गाड़ी है, सो आराम है। तब तो टूट गई सरिता, कहा कि वाह देश से गद्दारी करते हो अपने सुख के लिए। याद आ गई उस दीवाने की जिसको मोहब्बत किया था, कि एक जवान था जिससे मैंने मोहब्बत किया था, वो देश के लिए कुर्बान हो गया। लेकिन आप देश से गद्दारी कर रहे हैं, बौखला गई, नहीं रहना मुझे इस घर में। पिस्तौल उठाया और गोली घोड़ा चढ़ाया और एक गोली अपने पति के सीने में दाग करके और अपने ससुराल से भाग जाती है। कहां भाग कर जाती है याद रहे मित्रों, 15 अगस्त का दिन है, दिल्ली की तरफ भागती है। और जब दिल्ली की तरफ भागती है, दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा ब्रजेश सिंह का स्वागत सम्मान चल रहा था, तब तक पुलिस वालों ने देखा कि ये कातिल है, पकड़ो। और जब करीब गए तो हाथ जोड़ करके वो लड़की रो करके आंखों में आंसू लेकर कहा कि भैया मुझे एक मौका दे दीजिए, उसके बाद मुझे बंदी बना करके ले चल करके जेल में डाल देना। सुना है कि भारत में मरने वाले की इच्छा पूरी की जाती है, तो एक काम करो, मात्र मुझे 2 मिनट का समय दे दो, इस जवान का मैं स्वागत कर लूं जिसका स्वागत हो रहा है, फिर मैं खुशी खुशी आपके साथ चल दूंगी। और जब ही उस जवान के समीप माला लेकर के वो भारत की वीरांगना सरिता पहुंची, देखा ब्रजेश जो आवाक हो गया, सरिता इस हाल में तू सारी बात बताई कि तेरे ना उपस्थिति में, तेरे मर जाने की खबर में मेरे घर वाले ने मेरी शादी कर दिया, लेकिन वो देश का गद्दार निकला, मैंने उसे गोली मार करके आपका स्वागत करने दिल्ली में आई हूँ। सीना गदगद हो गया नौजवान का, सीने से लगा लिया। मित्रों याद रहे, जब सीने से लगाया बाहों में भर लिया, आज उस वीरांगना की भारत में कद्र होने लगी। सारा उसका जो जुल्म था उसको मद्देनजर रखते हुए भारत का जवान ब्रजेश लिया करके चला अपने घर की तरफ। रास्ते में पहुंचा तो सरिता पूछ रही है, आखिर तू मर गया आया कैसे? कहा मैं कैसे आया हम ये जानना चाहती है, चल मैं तुझे उस चेहरे से मिलाता हूँ जिसने मुझे पाकिस्तान से भारत में लौटाया है। लेकर के घर नहीं गया जवान, कहां गया? दिल्ली के पीजीआई हॉस्पिटल में पहुंचा। जब दिल्ली के पीजीआई हॉस्पिटल में पहुंचा बाबू, तो तनिके सांस फातिमा के आवत है, तनिके सांस जात है, मरवा अवस्था में है। देखा सरिता को तो आंसू की गति और तेज हो गई और चेहरे पे मुस्कान बढ़ गई, और रोना नहीं था, वो खुशी का आंसू बढ़ गया। और अपने पास बुला करके और बहुत प्यार किया, बहुत दुलार दिया, कहा कि ले बहन, मैं बंटवारा के समय तुमसे वादा किया था, आज वो वादा पूरा हो गया, ले मैं तुमसे मुलाकात मेरी हो गई, अब अगर मेरी जिंदगी में कोई तेरे साथ फूल हो गई हो तो माफ कर देना। ब्रजेश को बुलाया, समीप बैठाया, कहा कि सुना है कि तेरे हिंदुस्तान में रस्मों रिवाज के साथ रक्षाबंधन के दिन एक भाई अपनी बहन के लिए कुछ देता है, जब उसकी बहन कलाई में राखी बांधती है, तो नहीं मैं आप तुझे अपना धर्म का भाई माना है, तेरे कलाई में राखी को आंचल फार करके बांध करके और एक कीमत मांगती हूँ। क्या कीमत मांगती है बाबू? गौर करेंगे कलेजा हिल जाएगा।
राखी की उपहार है कि अगर कुछ देना चाहता है तो तेरे बहन की यही चाहत है, यही जिज्ञासा है कि इस टूटी हुई अबला को अपनी दुल्हन बना ले, इसकी जिंदगी भी सवर जाएगी। उस बहन के कहने पर वो भाई उसी बहन के सामने उस सरिता के कलाई को पकड़ा और कहा, ले तेरे सामने, तू ही मेरी देवी है, तू ही मेरा देवता है, अपनी दुल्हन बनाता हूँ। लेकिन हुआ क्या बाबू, जरा गौर कीजिएगा, अरे और सरिता